और एक और बढ़िया गीत सुबह का वक्त है, शांति से आपके चरणों में पेश करूंगा, क्योंकि ऊदमबाजी यहां नहीं हुई, भारी भरकम गाना हुआ है, तो सुबह भी वही मर्यादा कायम रहनी चाहिए। मस्ता बजाएं पैरोडी, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए। मुलाकात नहीं है आज की, अपनी मुलाकात नहीं है, और चाचा तेरी या मेरी ऐसी बात नहीं है, तेरी या मेरी ऐसी बात नहीं है, तेरी या मेरी ऐसी बात नहीं है, दिल तरसाया होगा मेरे लिए रब्बा तेरे लिए, एक बना के ने बनाया मुझे तेरे लिए रब्बा मेरे लिए। साउंड वाले हो बाकी, आज आपका साउंड, ये जो सामने तुरई लगी हुई है ऐसी घोर बना दी है, मासा मई रह दो, ऐसी घोर बना दी है, बहुत अच्छा आपका साउंड बज रहा है। ए? हाँ यार, रसिया वाले ही केवल इतने कमजोर होते हैं, चाहे कोई आदमी बीच में से बोल जाता है, एक कब सम्मेलन की मंच पे नहीं बोलता कोई, अभी यहां पे डिस्को पार्टी है रही होती तो एक भी नहीं बोलता, क्यों के पुलिस वाले बैठे होते। खैर ना, जो कह रहे हैं रोज बोलते हैं। हाँ हाँ दादा, रोज बढ़िया बोलता है, मगर हमने आज देखा है, जभी तो हम तारीफ कर रहे हैं तुम्हारी, ये बढ़िया बात है, रोज क्या तुम्हारा हमेशा और इससे और बढ़िया बोले, हम तो ये दुआ करते हैं आपसे। के कोप भवन में आए कर, के कोप भवन में आए कर, भवन में आए के, और जब के कई कई सोए, के कोप भवन में आए के, जब के कई कई है सोए। चाचा ने घटियों ने इधर मांग, चाचा तुम्हारे मतलब की बात सुना रहा हूं, के कोप भवन में आए कर, जब वो के कई कई सोए, तो दशरथ जी वहां आए कर, रहे मूड पकड़ के रोए, जब देखा के कई को कोप भवन में, तो दशरथ जी वहां आए के, रहे मूड पकड़ के रोए। ऐसा नंबर गा करके गया मेरा यार, स्टेज पे केवल हमारी और इनकी इलम की लड़ाई है, कलम की, नीचे बैठ के दोनों जने चाय पिएंगे, ये भी तुम्हारे ही बच्चे हैं, मैं भी तुम्हारा ही बच्चा हूं, मगर यार तूने ऐसा नंबर गाया कि देख स्थिति देख, अरे कम बात बना, मुझे सब मालूम नहीं हो मैं,
मगर ये है कि ना तेरो नाम गोपाल है। और ये भी बात हकीकत बता रहा हूं, इसकी टक्कर को झेल ले आऊं ये बहुत समझ लेना। अच्छा अच्छा रसिया वाला चक्कर खाता है इसके मारे। देख बेटा हमें बजाए वो बड़ो कर रो काम है। देख के देखी जो ऐसी हालियत तो दुख दर्द सब सहने लगे और रानी के कई से वो राजा दशरथ फिर इस तरह कहने लगे और रानी के कई से महाराज दशरथ फिर इस तरह कहने लगे। देख बोल रानी जिस समय केकई कोप भवन में आकर के बैठ गई क्या मांगती है और भगवान राजा दशरथ को मालूम पड़ा कि केकई कोप भवन में बैठ गई है क्या कारण है। अंदर पहुंचे जाकर के बोले रानी कैसे नाराज है क्या बात है। बोले महाराज आप पे मेरे दो वरदान उधार हैं। बोले कौन से के मुझे दे दीजिए के मांग। तो बोली के ऐसा करो पहले वचन में राजा भरत को राजगद्दी और दूसरे वचन में भगवान राम को वनवास ये दोनों चीज मुझे वरदान दे दो। राजा दशरथ एकदम चक्कर में आकर के पड़ गए और कहने लगे केकई से गोपाल भाई तुमने मेरा छंद भी काफियों से नहीं लड़ाया लेकिन मैं कह इसलिए नहीं रहा हूं कि पब्लिक का मनोरंजन होना चाहिए। काट छांट के लिए तो जिंदगी पड़ी है। आपने छंद भी नहीं मेरा लड़ाया आप ये भी नहीं बता पाए मैंने पूछा था कि कौआ के जो पंख हैं वो पंख किसने दिए थे पिछले नंबर पे पूछा था मैंने तो आप रसिए ये छोड़ गए ये नहीं बताया कि पंख किसने दिए थे। आपकी जी का जवाब मैंने दिया हर बात का जवाब दे रहा हूं अब ये गीत में रख रहा हूं अगर काफियों से जवाब आप पे हो 1000 रुपया दूंगा अगर इंद्रदेव ने दिए हो तो 1000 एक अभी नगद। छोरे वो कौआ कौन को बेटा हूं चल कोई बात ना केवल गोपाल कह दू खरी अब मैं वहां पे आ गई है तो ना 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 ए लाला बा बालक की बात में कही आ रहा बालक की पे रहू आ रहा मैं जा की बात में आ रहा तू केवल गोपाल से मतलब रख और काऊ से मतलब मत रखे। तूने अपना जनाना रूप तो छोड़ दिया मगर वो पुराना एक्शन ताली बजा के हंसना नहीं छोड़ा है। इस कर्म को और छोड़ दे तभी पूरा मर्दाना होगा। देख छोड़ बेटा गोपाल जी ये बच्चे हैं आपस में इनमें मजाक हो रही है मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा इसको दिमाग में मत रखना। जैसे अभी अभी कह रहे थे कि मैं तेरो जी जा रही मोए बक्सियों एक बना के जब रानी ने कहा दो वरदान लूंगी तो महाराज दशरथ ने कहा चाचा पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में भर जाए पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में भर जाए आकाश के जीव चाहे पृथ्वी पर बिखर जाए मन को समुद्र में पहाड़ों में मुकर जाए हम वो छत्री नहीं जो बात से अपनी मुकर जाए। परमात्मा गवाह है रानी परमात्मा गवाह है अनुचित नहीं होगा और यह छत्री नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। है आन पहली मर्तबा है आन पहली मर्तबा उस पाक नाम की और खाता हूं तेरे सामने सौगंध प्यारे राम की। दे कहने लगे राजा दशरथ मांग क्या मांगती है हे रानी
के वरदान कैसे तूने हो कमेटी वाले राजा दशरथ कह रहे हैं वरदान कैसे तूने मांग लिए और तूने जो वरदान मांगे हैं अगर ऐसे ही वरदान मांगती रही तो क्या होगा। वरदान कैसे तूने मांग लिए के वरदान कैसे तूने मांग लिए अब तू डोलेगी अपनी सुनी डोलेगी अपनी सुनी मांग लिए सुनी मांग लिए डोलेगी अपनी सुनी मांग लिए बार बार जनाने को चैलेंज दे रहा था एक चीज गप्पा देना जनाने पे। चल मैं अपने जनाने पे एक चीज गप्पाने के लिए तैयार हूं, तू अपने जनाने पे तांसा बजवा के दिखा दे। देख बजा रही है कि ना, इधर मुंह करके बैठ इधर देख। वरदान कैसे तूने वरदान कैसे तूने मांग लिए अब डोलेगी अपनी सुनी मांग लिए सुनी मांग लिए दशरथ रानी अरे तेरे भरत से मुझे बैर नहीं है भरत भी तो मेरे लिए गैर नहीं है के दुख के क्यों बादल सर पे दुख के क्यों बादल सर पे ये टांग लिए कब के ये बादल कब के ये बादल सर पे टांग लिए अब डोलेगी अपनी सुनी मांग लिए सुनी मांग लिए और देख मांगेगी अगर ज्योत
तू ऐसे मरना। कहने लगे राजा दशरथ, मांगेगी अगर तू न ऐसा मरना, मांगेगी अगर जो तू ऐसे मरना, जिंदा बचेगा प्यारी तेरा ये भरना, जिंदा बचेगा प्यारी या तेरा भरना। मांगे की रानी देख तू ऐसा मरना, जिंदा बचेगा न जानी तेरा ये भरना, के अरमान दिल के तेरे तो बली काफियों से हो सके तो जवाब देना, वरना छोड़ देना, कोई हमारी तुम्हारी सोने चांदी नहीं दबरे। दे के अरमान दिल के मैंने थांग लिए, अरमान मैंने दिल के, अरमान अब टोलेगी अपनी सुनी मान लिए, सुनी मान लिए। अगले बंद में कहने लगे राजा दशरथ, क्या इन्हें छोड़ कर कोई वरदान ले ले, इन्हें छोड़ कर। रानी भरत को राजगद्दी मांग रही है, मांग ले, खुशी से दे दूंगा, लेकिन राम को 14 वर्ष का वनवास मत मांग। इसे छोड़ कर कोई और बार ले ले, इसे छोड़ कर कोई वरदान ले ले, इसे छोड़ कर कोई वरदान ले ले। वरदान में तू चाहे मेरी जान ले ले, वरदान और हैरानी सर जो तू चाहे, सर जो तू चाहे तो तलवार ले ले, और चर जो तू चाहे रानी भंडार ले। इसलिए क्या कह रही है, चाहे वरदान ले ले चाहे भंडार ले ले, के बैठी है क्यों स्वार्थ के। नेक तो दे, बिल्कुल न समझ लो के कई कोप भवन परी काई है, के बैठी है क्यों स्वार्थ के स्वांग लिए, बैठी है तू स्वार्थ के, बैठी है तू स्वार्थ के स्वांग लिए, अब ढोलेगी अपनी सुनी मांग लिए, सुनी मांग लिए। और दोस्तों आखिरी बंद बोलूंगा, और शायद के मेरा नंबर भी आखिरी होगा उसके बाद। अच्छा आखिरी नहीं है, चलो कोई टेंशन नहीं, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, कोई चिंता मत करो। चाचा क्या कह रहे हो, गांव वाले तो सो गए, आपकी तारीफ दोनों मंडलों की बाहर वाले बहुत कर रहे हैं, खुर्जा से आए हैं, कुछ बाहर से आए तो वो बेचारे कहां जाएंगे। हाँ, इसलिए मैं आपसे 6 बजे का टाइम दे रहा हूँ। बिल्कुल कोई बात नहीं, आपके लिए तो हमारी जान भी हाजिर है, चलते रहो यार।
तुम हमसे पहले मर जाओ करो। आपकी बात के लिए तो हमारी जान भी हजरे गुरुदेव। आखिरी बंद बोलूंगा, उसके बाद एक एक नंबर और सुनाएंगे आपके बीच। चीज लड़ा दे मेरी गोपाल भाई, चीज लड़ा दे मेरी गोपाल भाई, महफिल के बीच में जो ये मैंने सुनाई, मांग लिए सुनी मांग।